हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं सिंघाड़े का बहुत ही टेस्टी और यम्मी ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, जो काफ़ी ही टेस्टी और यम्मी होता है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए, इसके लिए मैंने सिंघाड़े को उबाल लिया है और इसके छिलके हटा लिए हैं, जो आप देख सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर जार में मैंने इसे डाल दिया है। इसमें काली मिर्च मैंने 6 से 7 लिए हैं, लहसुन की कलियाँ 5 से 10 लिए हैं, 3 मिर्चें लिए हैं और जीरा आधी चम्मच के लगभग लेकर के इन्हें आप थोड़े थोड़े पानी डाल करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर ले और इसका निमहीन पेस्ट बना ले। इसमें आप हल्दी पाउडर भी मैंने हल्का सा डाल दिया है और थोड़े थोड़े चम्मच पानी डालकर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसकी ग्रेवी बना ली है। इसी तरह से आप भी बना लें। इसमें आप चाहें तो इसमें मिर्ची पाउडर डालें, क्योंकि चीला है तो टेस्टी और यम्मी होना चाहिए। इसमें मैंने रवा लिया है 1 से 2 चम्मच के लगभग। आप रवा लें और उसे भी इसमें डाल दें। इसे मिक्स करें अच्छे से। इसमें और मसाले भी ऐड करें, जैसे कि आप इसमें डाल सकते हैं लाल मिर्च, और मिर्च मैंने डाले भी हैं पहले से, इसलिए थोड़े ध्यान से डालें। अधिक तीखा पसंद हो तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, अचारी मसाला मैंने इसमें डाला है, आप इसकी जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने 1 चम्मच डाला है, ऑलरेडी मैंने पहले कुछ थोड़े से डाल दिए थे चुटकी भर। यहाँ मैंने लाल मिर्च भी आधी चम्मच के लगभग ऐड किया है। नमक आप काला नमक या सफ़ेद नमक दोनों मिलाकर डाल सकते हैं, या सफ़ेद नमक ही स्वादानुसार आप 1 से 1.5 चम्मच के लगभग डालें और पानी इसमें मिला लें। जो मैंने मिक्सी जार में ग्राइंड किए थे उसी का पानी मैंने यहाँ पे डाला है। इसमें 1 चम्मच के लगभग नमक ऐड कर लें। मैंने सफ़ेद नमक यहाँ पे लिया है, आप चाहे तो काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मिक्सी का जो पानी जो बचा था उसे मैंने डाला है, लगभग ये 1 गिलास के लगभग, छोटे वाले गिलास से होगा। इसे अच्छे से आप विस्क की सहायता से फेंटे और इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे डालें। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रेस्ट पे डाल दिया है, ये कितने अच्छे से गाढ़े हो चुके हैं। आप भी इसी तरह से इसे बराबर से मिला, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे। और तो चलिए मैं इसे अब बनाने जा रही हूँ। इधर मैंने पैन में 1 चम्मच के लगभग फाइन ऑयल डाल दिया है। इसे आप तवे को अच्छे से पैन को गर्म होने दें, फुल फ्लेम रखें, और इसमें आप चिल्ले को अच्छे से चला करके अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद में आप इसे डालें करछुल की सहायता से और इसे हल्का हल्का फैलाते जाए, अधिक पतला ना करें नहीं तो पलटने में दिक्कत होगी। इस तरह से आप ही पलटें इसे और इसी तरह से इस मोटे में फैला लें, अधिक पतला ना करें, इसका ध्यान रखें। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है। अब फ्लेम को आप थोड़ा सा कम कर दें और इसे सिकने दें, अच्छे से गोल्डन होने दें। आप देख सकते हैं यहाँ गोल्डन हो चुका है। अब आप इसे आप छोलनी की सहायता से या स्पूचला की सहायता से आप इसे पलट ले, देख सकते हैं कितने गोल्डन और देखने में जब इतनी सुंदर या अच्छी टेस्टी लग रही है तो खाने में कैसी होगी। इसी तरह से मैंने दूसरे को चिले को भी इसी प्रोसेस से बना लिया है। आप भी इसी तरह से इसे हल्के से फैलाएं, अधिक पतला ना करें, यह ध्यान में रखें और इसे धीमी लो फ्लेम पर इसे पकाए अच्छे से गोल्डन होने तक, दोनों तरफ से पलट पलट करके पकाए। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बना लिया है। आप चाहे तो बच्चों को खुश करने के लिए इसमें स्मेल भी बना सकते हैं। सॉस के साथ आप इसे सर्व करें, चटनी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यम्मी होता है। देखिए कितनी क्रिस्पी है, कुरकुरी भी है ये बहुत। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए, लंच में बॉक्स में डालें, बहुत ही खुश और वो हैप्पी हो जाएंगे। आप क्रिसमस डे पर इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।